होता ना तो मोदी नगर पंचायत सुनो पहले पूरी बात सुन लो फिर अपनी बोलना। मोदी जी वहाँ से भेजते हैं, यहाँ तुमने भ्रष्टाचारी बिठा रखे हैं। मैं तो पहली बार चुनाव लड़ रही हूँ, पिछली बार लड़ी थी, जीती नहीं थी, जीतती तो सबके सब काम होते। फल खरीदने जाते हो देख के बता देते हो कि मीठा है कि कड़ू है, ये चखने के बाद बताते हो। वोट दो चाहे मत दो, जीतूंगी मैं ही पहली बार, और उसके बाद तुम्हारा काम सबसे पहले होगा, इतना याद रखना। मोदी जी अब ये जो चुनाव हो रहा है ना, ये नगर पंचायत का हो रहा है। बड़ी मैडम जी आई नगर पंचायत का चुनाव इसलिए हो रहा है ताकि जो ऊपर से पैसा आता है उन लोगों तक पहुंचे। सुन मेरी बात, हम लोग जो है ना आज से लोगों की सेवा नहीं कर रहे हैं। लॉकडाउन में कितने लोगों के घर सब्जी आई, डॉक्टर साहब मदद करते हैं कि नहीं करते? कभी नहीं दिखे, नहीं दिखे, कभी नहीं दिखे। ये आस वाले बता देंगे, तू तो वोट बिल्कुल मत देना, बिल्कुल मत देना, देना ही नहीं। इसका नाम लिखो, लिख लियो ना, पकड़ से। और तेरा काम सबसे पहले होगा, नहीं होगा ना, हम बोल रहे हैं। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएगा अगर तेरा काम हो गया तो। कौन? अगर तेरा काम हो गया, सुन मेरी बात, जवान जवान मत लड़ा, ये देख सामने कौन खड़ा है। मैं मजदूर ना हूँ। सुन मेरी बात, मेरी बात सुन, तू अपना नाम लिखवा, नंबर लिखवा, जीत तो मैं ही रही हूँ। मेरी बात, नाम लिखवा, नंबर लिखवा, और उसके बाद संतोष साकेत ना, पिता का नाम राम भाई। दिन में ही पीना शुरू कर देते, और ये तमीज नहीं है तुम्हें, किससे कैसे बात करनी चाहिए, समझ गए? नंबर है, फोन नंबर, नंबर बताओ। वोट दो मत दो, तुम लोगों की आदत है वोट कचरे में डालने की। कोई बड़े मनाई को जीरो पे जाएगा, हाँ जीरो पे जाना, नंबर दे अपना। गुड़ नगर पंचायत में अर्चना सिंह चुनाव लड़ रही है, उसका हस्बैंड बीएमओ है वहाँ का, और लगातार वो दोनों पति पत्नी लोगों को धमका रहे, कह रही है वोट दो और चाहे ना दो मैं जीतूंगी। मेरा शिवराज सिंह जी और मोदी जी से कहना है कि चुनाव कराने की जहमत क्यों उठाते हो, अर्चना जैसा बता रही हैं तो वैसा ही कर दो, सीधे सीधे उनको ही जीता घोषित कर दो। और लोकतंत्र की इतना अमर्यादित तरीके से मखौल उड़ाना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शोभा नहीं देता। एक तरफ चुनाव कराने की नौटंकी और दूसरी तरफ वोट दो चाहे ना देव मैं ही जीतूंगी, इतना अहंकार और अशोभनीय आचरण बेहद निंदनीय है, और ऐसे प्रत्याशियों को चुनाव के मैदान से बाहर करना चाहिए। और इसके लिए शिवराज सिंह जी आपको माफी मांगनी चाहिए कि और जो महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं उनके ऊपर क्या बीतेगी जब आपकी भाजपा की नेत्री ये कहेगी कि वोट दो चाहे ना दो मैं ही जीतूंगी। तो चुनाव नहीं कराओ, ये ज्यादा बेहतर होगा, ताकि जो प्रपंच और पाखंड रच रहे हो शिवराज सिंह रोज रोज आके अपना नौटंकी करते हैं, कहीं रोड शो करते हैं, जब आप ही सब कुछ जीत लेना है तो फिर वोट की नौटंकी करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। नहीं बताया ना, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई वीडियो नहीं आया जिसमें मेरे किसी भी प्रत्याशी के द्वारा किसी भी प्रकार से मतदाताओं के साथ अभद्रता की गई हो। हमारे सभी प्रत्याशी मतदाताओं के पूरे सम्मान के साथ अपन निर्वाचन आयोग की जो आदर्श आचार संहिता उसका पालन करते हुए प्रचार प्रसार में लगे हैं और जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। आप कह रहे हैं अगर ऐसी कोई विषय होगा तो उसको हम देखेंगे, उसके बाद निर्णय करेंगे।